हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, तो जीवन क्वार्टर जॉइंट की आज हम असेंबली बनाएंगे। इसका 3D पार्ट हमें गिवन है और हम इसको 2D ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम इसकी असेंबली बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें, और कोई और सजेशन देना हो तो उसके लिए भी लाइक एंड कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीवन क्वार्टर जॉइंट की असेंबली बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे फोर्क एंड दिया हुआ है, जो ये है, और ये हमारा आई एंड है। ये फोर्क एंड सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके अंदर हम ये आई एंड को असेंबल करेंगे, और फिर इन दोनों को जॉइंट करने के लिए इनको हमें यहाँ पे जीवन क्वार्टर गिवन है, वो हमारा इस होल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे तो ये हमारी असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फोर्क एंड बनाएंगे। फोर्क एंड बनाने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली। एक्सिस लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा ये प्रोजेक्शन होगा ये फर्स्ट एंगल में होगा, और जो हमारी असेंबली होगी फ्रंट व्यू जो हम बनाएंगे इसमें अपर हाफ सेक्शनिंग होगा, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन, क्योंकि एग्जाम में हमारा यही आता है, तो फोकस हमारा यही रहेगा कि जैसे एग्जाम में आता है हम वैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकिन फोर्क बनाते हैं। फोर्क में क्या देखेंगे, यहां से लेके यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी हुई है, इस पॉइंट से लेके यहां तक की 64 mm है। तो 2D में बनाने के लिए हम यहाँ से एक्सिस से 64 mm का हाफ कितना होता है, 32 mm। तो 32 mm नीचे लेंगे मार्क करेंगे और 32 mm ऊपर मार्क करेंगे, तो हमारा 64 mm हो जाएगा। ये यहाँ नीचे हो गया, यहाँ से 32 mm हो गया, साथ में यहाँ पे 64 mm पे यहाँ मार्क कर लिया हमने इसे। ठीक है, ये मार्क हो गया हमारा जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 64 mm का हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हमारा इसमें फोर्क है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 152 mm दी हुई है, या 152। ठीक है, अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करते हैं 42 प्लस 47 प्लस 63, ये भी हमारा 152 आएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी टोटल में दे रखी है 152। ठीक है, 152, लेकिन यहां पे अलग अलग जो इसके पोर्शंस हैं उनके लिए डिस्टेंस दे रखी है ताकि हमें ड्रॉ करने में इजी हो। ठीक है, तो हम इसको यहां से लेके यहां तक 152 ड्रॉ करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अभी तो हम इसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम बाद में इसकी सेक्शनिंग करेंगे। ठीक है, अपर हाफ लोअर हाफ जो भी हम अपर हाफ करेंगे, तो अपर हाफ सेक्शनिंग के लिए कौन कौन से पार्ट हिडन होंगे वो सब हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो जैसा हमने नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर दी लाइन, वैसे हम ऊपर भी यहाँ से 152 तक ड्रॉ कर देते हैं, 152 तक यहाँ तक हमने लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर दी ऊपर नीचे। इसको ड्रॉ करने के बाद क्या देखेंगे, ये तो हमारा यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 64 mm थी, लेकिन इसकी जो छोटा वाला पॉइंट है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहां पे नहीं गिवन है, इसका गिवन है यहां पे डाटा, ये 38 mm है यहां से लेके यहां तक, तो मीन्स यहां से लेके यहां तक 38 mm है। सेम इसी पॉइंट पे हम 38 mm मार्क करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो 38 mm मार्क करते हैं, 38 का हाफ कितना होता है, 38 कितना होता है, 38 का हाफ 19। ठीक है, तो 19 mm नीचे 19 mm ऊपर मार्क कर लेते हैं हम। तो हमने ये मार्क किया और इसको यहाँ मार्क किया। ठीक है, और ये लाइन हमने नीचे यहाँ ड्रॉ कर दी और इस लाइन को हमने इससे यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, ड्रॉ गई। अब इतना ड्रॉ करने के बाद फिर से हम देखेंगे यहाँ पे, अब जैसे कि हमने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें पता थी वह 152 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक की कितनी है कैसे पता चलेगी, उसके लिए हम इसको यहां से प्लस करेंगे। यहां से लेके यहां तक 42 है, फिर यहां से लेके यहां तक 47 है, लेकिन फिर यहां के बाद टोटल यहां की डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, लेकिन हमें इसके नीचे की डिस्टेंस कितनी मिलेगी, ये जो हमारा है प्रोजेक्शन ये इसके इक्वल होगा, ये यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो जो इसका डायमेंशन होगा यहां से लेके यहां तक वो कितना होगा, 42 प्लस 47 प्लस 38, तो कितना आएगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो 127 आया। तो इस पॉइंट से हमने 127 यहाँ खींचा और इस पॉइंट से यहाँ खींचा 127। ठीक है, ऐसे सेट किया हमने ड्राफ्टर को और 127 हमने ले लिया। ऐसे लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम है तो ऊपर भी ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर भी ड्रॉ कर दिया। ऊपर ड्रॉ करने के बाद अब ये 127 यहां से लेके यहां तक 127 पता चल गया।
अब इस लाइन को हम इससे मिला देते हैं, मीन्स इस वाली लाइन को इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इससे मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो इसमें गैप है की एंड क्वार्टर के लिए, ये जो है 47 का, ये इसमें बनाएंगे हम इसमें, ठीक है, ऊपर और नीचे। कैसे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 41 है, तो यहां से लेके यहां तक हम 42 है, ठीक है, 42 है, ठीक है। तो 42 हम यहां से लेके यहां तक मार्क करते हैं, इस पॉइंट से 42 mm हमारा यहां आएगा। तो इसका पोजीशन हमने इस पॉइंट पे भी ले लिया, और इसको हिडन में भी ड्रॉ कर रहे हैं लाइट पेंसिल से, ठीक है। सब कुछ हिडन में ड्रॉ करना है, क्योंकि बाद में हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट हमारा अपर हाफ सेक्शन करेंगे तो कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं, इसलिए पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहां तक कर दिया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 42 के बाद 47 वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है स्लॉट का, जो हमारे गैप है की एन क्वार्टर के लिए। फिर उसकी लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक 47 है, मीन्स हम ये जो हमने ड्रॉ किया है इससे 47 मार्क करते हैं, इस पॉइंट से 47। तो 47 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 47 हमारा यहाँ आया, और इस पॉइंट से भी हमने एक हिडन लाइन ड्रॉ कर दी ऊपर और नीचे, ठीक है, ऐसे। और सेम एज हमने इसको ऊपर भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये पोर्शन है, जो क्वार्टर का एंड पॉइंट है, जो हमारे क्वार्टर सॉरी फोर्क का जो एंड पॉइंट है वो 38 mm का है, ठीक है। तो 38 mm स्क्वायर का है, तो यहां से इस एक्सिस से 38 mm मार्क करते हैं इस पॉइंट के स्ट्रेट में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इस पॉइंट से हम मार्क कर लेते हैं इसे, यहाँ पे हमने मार्क किया सेंटर पे, अब सेंटर से 38 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब 38 का हाफ कितना हो गया 19 mm, 19 mm नीचे 19 mm ऊपर, हमने यहाँ मार्क कर लिया और यहाँ मार्क कर लिया। इस पॉइंट को जो हमने मार्क किया उसको हमने इस पॉइंट से यहाँ मिला दिया, ठीक है, और इस पॉइंट से जो हमने किया था इसको हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब इस लाइन को हम कितना भी सर्टेन लेंथ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रोकन हमारा दिखाया हुआ है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ डायरेक्ट। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और जैसे इसमें ब्रोकन दिखाया हुआ है इसको हमने ब्रोकन दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें अपना रॉड बनाएंगे, रॉड फिक्स करेंगे अपने इस फॉर्क में, ठीक है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, जो फॉर्क में हमने ये स्लॉट जो हमारे ये खाली है इसको हिडन इसलिए शो किया क्योंकि ये अंदर है, ठीक है। हम इस तरफ से फ्रंट व्यू हम देखेंगे तो ये पोर्शन हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉप व्यू से हमें दिखेगा लेकिन फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगा, ये हिडन होगा, इसलिए हमने हिडन लाइन से दिखाया इसे। तो अब हम इसमें अपनी फॉर्क में रॉड को फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो जो रॉड का स्लॉट है वो भी 47 mm का है, ये भी हमारा 47 mm का था जो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या, क्योंकि जब रॉड में जो इस फॉर्क जो स्लॉट के बाद का जो डिस्टेंस है 41 है, लेकिन हमारा जो फॉर्क है इसमें स्लॉट के बाद का डिस्टेंस 38 mm है, 41 mm से 3 mm कम। इट मीन्स क्या हो गया, जब हमारा इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 41 mm पूरा फिक्स होने के बाद। तो 41 mm पे हम मार्क करते हैं सबसे पहले, तो 41 mm पे हमने यहाँ पे मार्क किया, और इस पॉइंट पे मार्क करने के बाद हमने यहाँ पे देखा तो जो हमारा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है इसमें भी 3 mm का गैप अपने आप आ जाएगा, ठीक है, 3 mm का गैप अपने आप आ गया, ठीक है, 3 mm का गैप आ गया अपने आप। और इस गैप के साथ जो हमारा ये पॉइंट आया है, इसकी जो लाइन है हमारा, ये भी दिखने में हमारा ये स्लॉट है, तो स्लॉट के लिए जैसे हमने हिडन लाइन ये वाली ड्रॉ की थी वैसे ही इसकी हिडन लाइन हमारी नीचे तक ड्रॉ हो जाएगी, इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है। अभी हिडन ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में जब सेक्शनिंग करेंगे तो मैं बताऊंगा कहाँ की डार्क होगी कहाँ की हिडन रह जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने इसको ऐसे कर दिया, फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी हम इसमें दिखा देते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 47 है, तो यहां से लेके यहां तक भी 47 हम मार्क कर लेते हैं। तो 47 हम मार्क करते हैं यहां से लेके यहां तक कितनी आएगी, 47 हमने मार्क की, और इस पॉइंट से हमने यहां देखा तो ये हमारा यहां आया, ठीक है, और इसको भी हमने यहां से नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब देखेंगे जो हमारा रॉड है उसका 41 और 47 के बाद की जो लेंथ है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे ब्रोकन है, तो
तो हम इसके बाद से हम सर्टेन लेंथ ले लेते हैं इसके आगे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डाया हमारा जो है, इस पॉइंट से लेके यहां तक का डाया भी हमारे फोर्क के इक्वल है 38 mm का, तो जो कि हमारा ये भी 38 mm का स्क्वायर है, तो 38 mm हम का है, तो हम इसको डायरेक्टली आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सेम है, हम इसको भी यहां से आगे बढ़ा देते हैं और इसको आगे हमने बढ़ा दिया। अब इसको ब्रोकनली दिखा देते हैं क्योंकि यहां से ब्रोकन हो रखा है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया। अब जो हमारा फॉर्क है उसके अंदर हमारा रॉड असेंबल हो गया है। अब इसमें हम जिब एंड क्वार्टर को असेंबल करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जिब बनाएंगे, तो जिब की यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी दी हुई है 64 mm, मींस यहां से लेके यहां तक की भी लेंथ हमारी 64 mm थी। यहां देख सकते हैं आप, यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रेट आ जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारा लिख रखा है ना इसमें कि जो ये पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, और जो हमारा ये टेपर है हमारा क्वार्टर, वो एक साइड से ही टेपर है, एक साइड से टेपर है, मींस हमारा टेपर इस साइड से रखेंगे और इस साइड से हम इसको पैरेलल रखेंगे, मींस ये वाला पॉइंट पैरेलल होगा और इसके। ठीक है, तो ये स्ट्रेट होगा तो मींस ये भी स्ट्रेट होगा, तो इसे हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। यहां से टोटल नीचे तक गिराते हैं लाइट पेंसिल से। ठीक है, इस पॉइंट से अब जो हमने इसको हिडन किया था इसको, ये डार्क हो जाएगी और मतलब लाइट पेंसिल में हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, नीचे तक अभी ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गया हमारा इतना। ठीक है, और ये इसी पॉइंट पे इसलिए ड्रॉ हुआ क्योंकि हमारी स्टार्टिंग जो है हमारे स्लॉट की यहां से हो रही है, और इस साइड पे जब हमारी इस साइड से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि जो ये वाला गैप है इस पे अगर हम अपनी क्वार्टरों का असेंबल करते हैं तो इसके नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि स्लॉट नीचे का गैप यहां से स्टार्ट है, इस पॉइंट से, इसमें इस पॉइंट से स्टार्ट था गैप, क्योंकि इसलिए हमने इस पॉइंट से नहीं की, क्योंकि ऊपर से आने में आता नहीं, ब्लॉक हो जाता, और यहां से स्लॉट खाली था। ठीक है, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हमने पूरे से ड्रॉ कर दिया और स्लॉट यहाँ पे हमें इसका रास्ता मिलेगा, तो हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। ठीक है, अभी हम इधर का देखते हैं, तो इसको हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या देखेंगे, हमारा जो जीब है उसकी हमें यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस नहीं दी हुई है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें 14 mm दी हुई है, सेम एज यहां से लेके यहां तक की 14 mm हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे मार्क करते हैं 14 mm, 14 mm मार्क करते हैं, इस पॉइंट पे हमने रखा इसकी इस वाली लाइन पे 14 mm, यहां से यहां तक मेजर कर लिया 14 mm पे, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद इसका प्रोजेक्शन हमने ऊपर भी पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसको ऊपर लगा दिया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद अब हम अपनी जिप को दोबारा से देखेंगे। जिप की हमारी यहां से लेके यहां तक की लेंथ 64 mm थी, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट लेंथ है यहां से लेके यहां तक बॉटम टू टॉप वो 96 है, तो मींस हमें 96 कहां से मेजर करेंगे, हम 96 जो है ना, जो हमने ये पॉइंट अभी मार्क किया यहां से मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अपना ये कर्व भी तो बनाना है ना, क्योंकि कर्व की यहां से लेके यहां तक की लेंथ नहीं दे रखी, टोटल से ही हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट से हम 96 mm को ऊपर हाफ डिवाइड करते हैं, ऊपर हाफ डिवाइड करते हैं और नीचे हाफ डिवाइड करते हैं, तो 92 to 96 को हमने हाफ डिवाइड किया तो हमारा 48 mm आया, तो 48 mm नीचे 48 mm ऊपर इस पॉइंट से जो दोनों पॉइंट हमने मार्क किए हैं। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ आ जाएगा, तो हमने इसको लाइट पेंसिल से ऊपर ड्रॉ किया, नीचे ड्रॉ किया और इसको ऊपर भी 96 mm तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हम इसको भी ऐसा छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 22 + 22, तो मींस इसका जो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है यहां पे लिख रखा है, तो मींस इस पॉइंट से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी 44 आएगी, 22 + 22, तो देख लेते हैं हम। आप देख रहे हैं यहां पे 22 की 44 ही आई है। ठीक है, तो मींस हम इस लाइन से अपना जो हमारा, अब जिप को हमने यहां पे छोड़ दिया क्योंकि जिप को हम इसके पैरेलल के अकॉर्डिंग ही अब ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के बाद से। अब हम अपने क्वार्टर को ड्रॉ करते हैं, क्वार्टर की वाली लाइन स्ट्रेट आएगी इस पॉइंट से, और क्वार्टर की लेंथ कितनी है 136 mm, तो 136 mm को हम ऊपर हाफ डिवाइड करेंगे और नीचे हाफ डिवाइड करेंगे तो एक्सिस से। ठीक है, तो कितना आएगा 68 mm ऊपर और 68 mm नीचे, तो 68 mm यहां से लेते हैं हम नीचे और ऊपर 68 mm, तो हमारा 68 mm यहाँ पे आया और 136 mm पे यहाँ पे ऊपर तक जाएगा, 136 mm हमारा यहाँ आएगा। इस पॉइंट से हमने इसको लाइट पेंसिल से नीचे तक अभी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रेट ड्रॉ हो गया। स्ट्रेट ड्रॉ होने के बाद हमने क्या किया, अपने
इसमें दिया जो हमारे असेंबली बनाने की दी है क्वार्टर की लेंथ ऊपर से लेके यहाँ तक कितनी दी हुई है 28, लेकिन नीचे की नहीं दी हुई है क्योंकि ये इसके पैलर के अकॉर्डिंग हमें बनानी होगी। तो हम पैलर के अकॉर्डिंग इसे इन दोनों को बनाएंगे। जैसे हमने इसको भी खाली छोड़ रखा है, सबसे पहले हम ये ऊपर वाले को ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 28, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 mm मार्क कर लेते हैं, हम लाइन खींच लेते हैं 28 mm तक। हमने यहाँ पे 28 mm लिया और ये लाइन जो है हमारी 28 mm तक हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अपने फिगर में देखेंगे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी दी है 22। तो इस पॉइंट से यहाँ तक 22 मार्क करते हैं ताकि टेपर हम बना सकें इसे। ठीक है, 22 हमने मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक आया हमारा इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जो हमारा 22 mm आया है उसको हमने अपना ड्राफ्टर को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद उसके हिसाब से इस पॉइंट को जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 28 mm था इस पॉइंट पे हमने सेट किया और ड्राफ्टर को दूसरी पॉइंट से यहाँ पे सेट से रोटेट किया ताकि ये पॉइंट हमारा मिल जाए हमारे टेपर से। ठीक है, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 28 वाली। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है अभी। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से इसको ऐसे मिलाया और ये दोनों जहाँ पे मिल गए उसके बाद से हमने क्या किया, इसकी लाइन को हमने लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर दिया नीचे तक। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दिया। ड्रॉ करने के बाद क्या किया, दोबारा हमने अपने ड्राफ्टर को सीधा किया। ड्राफ्टर को सीधा करने के बाद इस पॉइंट पे हमने इसको इससे ऐसे मिला दिया। ठीक है, और इसके नीचे का पोर्शन हम मिटा देते हैं क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो टेपर उसे अब हमारी जो क्वार्टर है उससे बाहर निकल गया। अब हमारी क्वार्टर ड्रॉ हो गई। अब क्वार्टर के ही पैलर, अब हमें जैसा गिवन थी कंडीशन क्वार्टर के पैलर ही हमारा ये जो जिब है वो ड्रॉ होगी। तो जिब का हमने यहाँ पे पॉइंट ये छोड़ रखा था, अब इस पॉइंट को हमने इससे मिला देना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली इससे मिला दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने ऊपर वाले को इससे मिला दिया। ठीक है, तो हमारा ये जिब एंड क्वार्टर एक साथ जो पैलर थे वो ड्रॉ हो गए जैसे कि हमारा ये फिगर में हमें गिवन था। ठीक है, अब इसमें जो टेपर लग रही है ये 10 mm का रेडियस है। 10 mm का रेडियस लेना होगा तो कैसे लेंगे, यहां से 10 mm मार्क करेंगे और यहां से 10 mm मार्क करेंगे और इन दोनों पे लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, फिर ये पॉइंट जहां पे मिलेगा फिर इस पॉइंट से हम कंपास यहां तक खोलेंगे, यहां से यहां तक का रेडियस, और फिर इस पे आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा। सेम एज मैं यहां पे भी इसे कर देता हूं, तो आप इसको कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, फ्री हैंड भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइनों को हम डार्क कर देते हैं और जो इसकी बाहर की लाइन है इसको मिटा देंगे। तो हमने इसको मिला दिया और इसको डार्क कर दिया। ठीक है, अब एक चीज और आपको बताऊंगा, जो हमारा ये क्वार्टर है ना इसमें ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कर्व है, तो अगर इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्व ऐसे नजर आएगा, तो उस कर्व की हमें कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए सर्कल मास्टर ले लेंगे या डी ले लेंगे या फिर कंपास की हेल्प से इस पे एक ऐसा ही कर्व ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी और सेम है हमने इसे नीचे भी ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ऐसे, तो ये हमारा दोनों साइड ड्रॉ हो गया। ठीक है, इतना हो गया, अभी हमारी असेंबली कंप्लीट हुई। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन हमने बोला था एग्जाम में आता है कि जो फ्रंट व्यू होता है वो अपर हाफ सेक्शनल करना होता है। ठीक है, अपर हाफ सेक्शन करना होता है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, अब अपर हाफ हम सेक्शन करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, इसके हेल्प से बताता हूँ, ये पोर्शन हमारा यहाँ से कट जाएगा इतना और ये एक्सिस तक कटेगा, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर का पार्ट कटेगा हाफ, इस जैसे इस होल को हमने काट दिया ना ऐसे कटेगा, तो इसको कट जाएगा तो हमारा जो ये टेप क्वार्टर और जीब एंड क्वार्टर असेंबल करेंगे वो दिखने लग जाएगा ऊपर, लेकिन नीचे नहीं दिखेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप हिडन इसे ड्रॉ करेंगे चाहे तो, या फिर इसे मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मिटा दें तो जो वो भी अच्छा है, अगर हिडन शो करें तो वो भी अच्छा है, लेकिन मिटा दें मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम इसे दिखाते हैं, तो जो हमारा जीब एंड क्वार्टर होगा वो असेंबल हो जाएगा। तो ये लाइन जो हमारी बाहर की है ये वाली लाइन है अभी, तो हमने इसके हिसाब से ड्रॉ किया ये वाली, इसके पीछे वाली तो दिखेगी दिखेगी नहीं क्योंकि हिडन हो जाएगी, ये वाली तो हमारी कट जाएगी, तो ये वाली लाइन हमारी ये मिट जाएंगी। ठीक है, ये वाली हमारी यहाँ से मिट जाएंगी, फिर इसके बाद हमारा जो ये वाला लाइन है ना ये यहाँ तक डार्क आएगा, फिर उसके बाद ये चाहे तो आप यहाँ तक हिडन कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हिडन और यहाँ से लेके यहाँ तक हिडन कर सकते हैं, लेकिन आप मिटा दें तो भी ठीक रहेगा। तो मैं सबसे पहले ये लाइन मिटाता हूँ और ये भी। ठीक है, तो हमने मिटा दिया, अब ये लाइन जो है यहां से लेके यहां तक डार्क आएगी, ये पूरा
हमारा इतना पोर्शन डार्क आएगा जो हमारे जीवन क्वार्टर का है, ठीक है। और ये जो लाइन हमने स्लॉट के लिए हिडन ड्रॉ की थी ना, ये वाली, ये अब कट जाएगा तो आप देखना ये दिखने लग जाएगी हमें ये, ठीक है। तो इसे हम डार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन पे, क्योंकि अपर हाफ सेक्शनिंग हो रही है। इसके ऊपर का जो भी पार्ट है जो दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो इतना हो गया, अब इसको डार्क कर देते हैं यहाँ तक दोनों को। तो हमने इसको डार्क कर दिया और ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे डार्क किया, लेकिन इसके आगे की लाइन भी हमें पीछे से दिखाई देगी जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे डार्क किया ऊपर और नीचे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला स्लॉट है ये भी तो हमें दिखने लग जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा इसका स्लॉट है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी डार्क हो जाएगा अपना, ठीक है, ये भी हमारा डार्क हो जाएगा, ये हमारा डार्क हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो इसके नीचे के पोर्शन है ये की एंड क्वार्टर के, इसको आप मिटा दें या फिर हिडन दिखा दें, लेकिन अगर आप इसे मिटा देंगे तो जो हमारी ड्राइंग है वो अच्छे से दिखेगी, ठीक है। तो आप इसको मिटा दें यहां से यहां तक, और इसको भी यहां से यहां तक, और इसको भी यहां से यहां तक मिटा दें। तो हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। इसको इसलिए मिटाया क्योंकि ये आप देखिए जब अंदर असेंबल होगा तो ये इसके अंदर ही रह जाएगा ना, क्योंकि हमने अपर हाफ सेक्शनिंग की, इसलिए अपर हाफ सेक्शनिंग में हमें दिख रहा है, नीचे में नहीं दिखेगा। तो इसे अब बाकी चीजों के पोर्शंस को हम डार्क कर देते हैं। इस लाइन को हमने यहां से लेके यहां तक डार्क कर दी, और इस लाइन को हमने यहां से लेके यहां तक डार्क कर देंगे हम, ठीक है। और इस पोर्शन को हमने यहां से लेके यहां तक ऐसे गिरा दिया, और सेम है हमने जो ये वाला पोर्शन है ये भी हमारा पूरा दिखेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा ये फॉर्क है वो तो हमारा दिख रहा है इसमें अंदर, क्योंकि हमारा अंदर से खोखला है, लेकिन उसके अंदर जब हमारी रॉड चली जाएगी तो रॉड का पोर्शन है ये, यहां से लेके यहां तक ये, चाहे सेक्शनिंग कर दें चाहे ना करें ये पूरा दिखेगा। अगर सेक्शनिंग कर देंगे तो यहाँ पे ये गैप आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इस गैप को आप चाहे यहां से लेके यहां तक हल्का ड्रॉ कर दें, जैसे यहां से लेके यहां तक हमने इसको हल्का ड्रॉ किया था, ठीक है, क्योंकि ये अंदर की लाइंस और सरफेस को दिखाएगा। तो ये इतना ड्रॉ गया, अब इसके नीचे जो की एंड क्वार्टर है इसको भी हम डार्क कर देंगे, क्योंकि ये बाहर आ गया तो हमारा ये दिखने लग जाएगा। तो ये हमने अपर हाफ सेक्शनिंग व्यू बना दिया अपने की एंड क्वार्टर जॉइंट का, लेकिन ये अभी हमें दिख नहीं रहा, अपर हाफ सेक्शनिंग है। तो सेक्शनिंग करने के लिए हम इसमें हैचिंग करते हैं। तो हैचिंग करने के लिए हम अपने ड्राफ्टर को 45 डिग्री पे घुमाएंगे, रोटेट कर लिया। अब इस पॉइंट पे हम हैचिंग करेंगे सबसे पहले अपनी रॉड पे हम पूरा तो हैच कर नहीं सकते क्योंकि ड्राइंग हमारी लंबी होती है, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, मतलब हैचिंग के लिए साइन होता है ये, और इसको ऐसे कांस्टेंट लाइन डिस्टेंस पे हमने हैच करना स्टार्ट कर दिया, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने यहां तक हैच किया, यहां तक हैच करने के बाद ये भी हमारा जो ये पार्ट है हमारा, ये भी हमारा रॉड है, तो यहां तक टोटल हैच होगा ये, ठीक है। तो मैं इसको हैच कर देता हूँ टोटल यहां तक, ठीक है, पूरा ऐसे ही। तो हमने रॉड को हैच कर दिया इस डायरेक्शन में, अब हमने रॉड को इस डायरेक्शन में हैच किया 45 डिग्री पे, तो हमारा जो फॉर्क एंड है, फॉर्क एंड ये वाला, इसको हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हैच करेंगे ताकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री ले, ताकि पूरा ना करना पड़े। वैसे हमने फॉर्क को भी कर दिया, तो फॉर्क को भी अपर हाफ सेक्शनिंग करते हैं। तो उसको हैच करने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने जैसे इसको ले लिया ऐसे, और इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, सेम है, हमने इसको यहां से ले लिया, और इस पॉइंट को ऐसे ही लेते लेते हम इसको पूरी हैच कर देते हैं यहां से इतना, और फिर इसके बाद हम यहां तक इसे हैच कर देते हैं। तो हमने ये फॉर्क को भी 45 डिग्री पे हैच कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हैच कर दिया रॉड को हमने इस डायरेक्शन में हैच किया, इसको इस डायरेक्शन में हैच किया। अब इसकी कुछ एसेंशियल डायमेंशन दिखा देता हूँ जो हमें दिखानी है, और हमारा ये अपर सेक्शनल पार्ट असेंबली का की एंड क्वार्टर का रेडी हो जाएगा। फिर तो मैं दिखाता हूँ इसका सेक्शनिंग व्यू डायरेक्ट। तो दोस्तों मैंने इसका फ्रंट व्यू बना दिया और इसकी कुछ एसेंशियल डायमेंशनिंग कर दी है जो कि रिक्वायर्ड होगी आपको एग्जाम में। अगर आप इसे पूरी बना देते हैं और इसको दिखा देते हैं तो फुल मार्क्स मिलने के आपको 99.9% आपको पक्के हैं, ठीक है। अब इसका फ्रंट व्यू अपर हाफ सेक्शनिंग तो बन गया, अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका प्रोजेक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शंस हम इसका ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को यहां से, इसको यहां से, और इसको इस वाले पॉइंट से यहां से ले लिया, इससे यहां ले लिया, और इससे यहां, और इससे यहां, चार प्रोजेक्शन ले लेते हैं पहले। तो इसका प्रोजेक्शन हमने ले लिया, अब इसमें हम टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉप व्यू कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अपने जो हमें पार्ट गिवन है वो देखेंगे, जो हमें टॉप व्यू में बनाना होगा वो क्या दिखेगा ऊपर से अगर देखेंगे
तो हमें ये पोर्शन दिखेगा, ये यहाँ से लेके ये वाला दिखेगा जो हमारा मेन पोर्शन होगा। ये इसका डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस हमारी इसके इक्वल है जो कि 38 mm का है ये, ठीक है 38 mm स्क्वायर है। तो यहाँ से टोटल जो है जो ब्रेक वाला पॉइंट है और यहाँ तक इसको 38 mm का लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन्स ऊपर 38 mm का हाफ डिवाइड करते हैं और नीचे मीन्स 19 mm ऊपर, यहाँ मार्क के 19 mm नीचे और 19 mm ऊपर 38 mm पे हो गया। और इस लाइन को हमने स्ट्रेटली मिला देना है यहाँ तक डार्क, ठीक है डायरेक्टली डार्क मिला दे देंगे क्योंकि टाइम सेव करना है हमें अब। तो और इस पॉइंट को भी हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ठीक है। और जो दोनों साइड के ये वाला साइड और ये वाला साइड है एंड पॉइंट, इसको हम ऐसे ही ब्रेक करके दिखा देते हैं, जैसे ये वाला है और ये वाला ब्रेक करके हमने इसे दिखा रखा है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ब्रेक करके दिखा दिया, इसको सही से कर देता हूँ ब्रेक, इसको ब्रेक करके दिखा दिया। अब जो ये वाला पॉइंट है हमारा, इसका पोजीशन जो आएगा वो ऊपर से देखने पे ये पूरा डार्क होगा, मतलब एक बॉक्स होगा जो हमने ये पोजीशन लिया। तो इसको हम डार्क कर देते हैं यहाँ से इस यहाँ तक, और सेम है ये डार्क होगा, तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देते हैं जो ये पोजीशन हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डार्क हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमें जीबेन क्वार्टर दिया हुआ है इसका पोजीशन लेंगे। इस पॉइंट से हमने इसका पोजीशन यहाँ लिया, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने इसका पोजीशन यहाँ लिया, ठीक है। इसको चाहे तो आप ऐसे लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अगर ना भी करें तो भी चलेगा, दिखा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया, अब हमें नहीं पता इसकी थिकनेस कितनी होगी ऊपर से देखने पे। तो हम यहाँ पे इसे देखेंगे तो इसकी थिकनेस हमें कितनी दी हुई है, ये जो है 13 mm दी हुई है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होगी वो भी 13 mm का इस ठीक होगा ये, ठीक है 13 mm मोटा होगा ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 13 mm, 13 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 mm। तो इस वाले पॉइंट को हमने 13 mm को हाफ डिवाइड करना है, हाफ डिवाइड करेंगे 13 mm का, कितना आएगा 6.5 mm ऊपर आएगा एक्सिस से और 6.5 mm नीचे, तो 13 mm हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को हमने यहाँ तक एक्सपेंड किया, ठीक है, और सेम है हमने इस वाले पॉइंट को हमने जो हमने ऊपर तक ड्रॉ किया था 13 mm के लिए हाफ डिवाइड करके उसको यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, हो गया हमारा ये ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद अब इस पॉइंट का जो हमारा ऊपर वाला पोजीशन है ना, ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था हमारा ये क्वार्टर 28 mm था ना, 28 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हम मार्क करते हैं अपनी इस पोजीशन पे, ठीक है, जो हमारी ये पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक 28 mm मार्क करते हैं। तो 28 mm मार्क करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा यहाँ आएगा और इस पॉइंट को हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस पे, ठीक है लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमें टॉप से एक और चीज दिखेगा जो हमारा ये क्लियरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 mm का। तो इस पॉइंट से 3 mm हम इसको मार्क करते हैं, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 3 mm हमारा आएगा, इसको भी हम इतने ही डिस्टेंस पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक आया हमारा 13 mm का और इस लाइन को हमने इससे मिला दिया, ठीक है इस पॉइंट से, और सेम एज हमने इससे मिला दिया, तो हमारा ये कुछ ऐसा बन गया। अब जो हमने ये क्वार्टर का टॉप व्यू बनाया है इसमें हमारा ये पोर्शन है, तो हम इसको ऐसे ही मिला देते हैं। तो उसको कैसे मिलाएंगे, हम अपना सिंपली ये लेंगे सर्कल मास्टर या फिर कंपास, उसको इस वाले पॉइंट को हमें इस वाले पॉइंट पे हमें एक फिलेट दिखानी है, फिलेट जैसी जो हमें हमारा इस पे फिलेट दिखाएगा फ्रंट टॉप व्यू में, ठीक है। सेम है हमने इसके इधर इस साइड भी इस डायरेक्शन से ऐसे ड्रॉ कर दिए कर देंगे, तो हमारा ये टॉप व्यू भी रेडी हो गया, ठीक है। इसमें मैंने डायमेंशन दिखा दी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 mm है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 38 mm स्क्वायर का था ये, ठीक है 38 mm स्क्वायर का। अब हमारा फ्रंट व्यू और हाफ सेक्शनिंग बन गया और टॉप व्यू बन गया। अब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं, साइड व्यू बनाने के लिए हम इधर चलते हैं, यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे एक एक्सिस लाइन वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल हमारी ड्रॉ है, वर्टिकल एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इसका हमने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, आपको ये लाइन टेढ़ी नजर आ रही होगी लेकिन ये टेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट है, क्योंकि जो मेरा कैमरा है वो थोड़ा इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि पेपर और इसके बीच में पेपर हमारा थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ है, तो इस वजह से आपको लाइन टेढ़ी लग रही है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट है। चलिए कोई नहीं, हम इसका साइड व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड व्यू बनाने के लिए हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ये लाइन यहाँ से आएगी और ये लाइन यहाँ से आएगी, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन और इसका हम अभी बाद में लेंगे, सबसे पहले इनका ले लेते हैं और ये अंदर वाले का भी ले लेते हैं, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन हमने ले लिया, इनका प्रोजेक्शन लेने के बाद अब क्या करेंगे,
जो हमने टॉप व्यू में ये बनाया ना 38 mm, तो 38 mm ये बनाया है, तो इसकी जो थिकनेस होगी यहां से यहां तक कुछ होगी, एक्सिस से बांटेंगे तो 38 mm की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम थिकनेस बांटते हैं इसकी। तो अब हम इसकी थिकनेस ड्रॉ करते हैं जो हमने 38 mm मार्क की थी, यहां से लेके यहां तक टॉप व्यू में जो ड्रॉ किया था, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक अगर टॉप से देखेंगे ये भी 38 है, तो 38 mm थिकनेस मार्क करते हैं जो हमने इस पोजीशन लिया था यहां से लेके यहां तक के बीच में, जिसका हमारा स्क्वायर में डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, वो है हमारी 64 mm। ठीक है, तो हमने इसका पोजीशन यहां ले रखा और यहां ले रखा, तो इसमें हम 38 mm को डिवाइड करते हैं इस पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टेट में। ठीक है, तो 38 mm का हाफ कितना हो गया हमारा, सबसे पहले डिवाइड करने का 19 mm लेफ्ट साइड यहाँ, 19 mm राइट साइड यहाँ। ठीक है, तो 38 mm को हमने यहाँ तक डार्क कर दिया और सेम एज इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग किया, इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसको ऊपर बढ़ा देते हैं इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा 64 mm का है। ठीक है, तो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स हमारा बन जाएगा। तो हमने इसको ऊपर तक बढ़ाया, सेम एज इस पॉइंट को भी हमने यहाँ से लिया और इसको इसी पॉइंट तक हमने बढ़ा दिया और इस लाइन को हमने यहां से इसको ऐसे मिला दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा 38 mm वाला हमने पोजीशन ये लिया है, इसको भी हम इसमें ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया और सेम है, तो हमने इसे यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें अपनी ये कि हमारी इस साइड से देख रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो हमारा जो है राइट साइड में बन रहा है, तो हमारा ये क्वार्टर अभी दिखेगा, तो क्वार्टर की डिस्टेंस कितनी होगी, और वो हमारी यहां से लेके यहां तक जो थी वो हमारी टोटी 136 थी, तो 136 थी, लेकिन वो उसका डायमेंशन हमने फ्रंट व्यू में ऐसे था, तो साइड व्यू में देखने पे हमारा ये 13 mm का दिखेगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से देखेंगे। तो 13 mm हम यहाँ पे ड्रॉ लेके करते हैं इसके पोजिशन से, तो इसका पोजिशन हमने यहां से यहां पे लिया इस पॉइंट पे। ठीक है, और सेम है ऊपर से भी हमने ले लिया इसका प्रोजेक्शन यहां से यहां। ठीक है, अब इस पे 13 mm को डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड 13 mm और राइट साइड 13 mm का हाफ डिवाइड करते हैं, मींस 6.5 mm लेफ्ट साइड, 6.5 mm राइट साइड। तो हमने इसको मार्क किया यहां से यहां तक और इस पॉइंट को भी हमने यहां से यहां तक मार्क किया। ठीक है, और इसको यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को ऊपर तक मिला दिया। सेम है, हमने इस पॉइंट को ऊपर तक ड्रॉ किया और इस पॉइंट को भी हमने ऊपर तक यहां से ऊपर ड्रॉ कर दिया और यहां से ऊपर इसे यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना ड्रॉ हो गया हमारा और इसके बाद हमने इस पॉइंट को यहां पे इसे मिला दिया। इसके बाद क्या किया, जैसे हमने इसमें टेपर ये वाला दिया हुआ है, तो इसका टेपर हम यहां पे हल्का सा ऐसे देख के इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और सेम है इसको भी हल्का ऐसे टेपर देख के इस पॉइंट को हमने उससे मिला देना है ऊपर से। ठीक है, तो इसको हमने यहां ऐसे मिला दिया और सेम है ऊपर वाले को भी हमने यहां ऐसे मिला दिया। ठीक है, आप देखेंगे जो हम यहां से देखेंगे साइड से लेफ्ट साइड से, तो हमारा जो ये जिब है इसके भी पोजीशन हमें आएगी, तो इसका पोजीशन हम ले लेंगे यहां से ऐसे लेके और इसको यहां मिला दिया और सेम है इसको भी लेके यहां से इसको हमने यहां मिला दिया। ठीक है, तो हमारा ये साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारा फ्रंट व्यू है ना, इसमें मैंने जो क्वार्टर है इसकी हाइट ज्यादा ली है ऊपर की साइड, लेकिन आप चाहें तो इसकी जो हाइट है हाफ नीचे कर सकते हैं और हाफ ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारी ड्रॉइंग और अच्छी बनेगी, लेकिन ये इस तरीके से भी असेंबल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा साइड व्यू बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे हैच करना होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा इसमें आई एंड हम इस साइड से लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, ये ब्रेक है बीच में, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हैच करना होगा, क्योंकि जिसका डायमेंशन 38 है, तो हमारे आई एंड का भी डायमेंशन 38 है, तो हम इसे हैच कर देते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं हैच, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमने इसको ऐसे हैच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसको यहाँ तक पूरा हैच कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें हैचिंग कर दी और हमारा साइड व्यू भी रेडी हो गया और हमारे तीनों व्यू रेडी हो गया, फ्रंट व्यू, अपर हाफ सेक्शनिंग, टॉप व्यू और साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी रेडी हो गया, जो कि राइट में बनता है हमारे फर्स्ट एंगल में। ठीक है, तो आइए मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं। तो ये हमारा जिब एंड क्वार्टर जॉइंट असेंबली, ये है हमारा फ्रंट व्यू, अपर हाफ सेक्शनिंग व्यू, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है।
ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशन देना हो उसके लिए भी कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।